Students, finally let's begin the session, right? Okay, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, राइट? और ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करने वाला है आपकी स्टडीज को आसान करने के लिए, राइट? लेट्स सी हाउ आई कैन हेल्प यू। ये थोड़ा सा सेशन जो हमारा है ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे होगा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करूंगा मैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में कई बार अपने साथ किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ किया होगा, अपने भाई बहन के साथ किया होगा, बट आज मैं आपके साथ ये सेशन जो है मेरा इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कई ढेर सारी चीजें, और यहां पे इस एक्सपेरिमेंट का कुछ और ही मतलब होगा जो आप बचपन में करते होंगे। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या। पहला एक्सपेरिमेंट आपके साथ, ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको कहता हूं बचपन में आपने कई बार ऐसा किया होगा कि आपने एक स्टिक को या कोई ना कोई चीज को अपनी फिंगर में बैलेंस करने की कोशिश जरूर की होगी। इफ आई एम राइट देन शो मी अ थम्स अप, राइट? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने, आप लोगों में से जरूर ऐसा किया होगा कि कभी ना कभी एक स्टिक को लेके फिंगर में बैलेंस करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने, राइट? कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। Like this, आप लोगों ने इस तरीके से स्टिक को जरूर बैलेंस किया होगा कभी ना कभी बचपन, ओके। लेकिन अब मुझे ये बताइए, मैं कुछ रूल्स चेंज करता हूं। आज आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, बट इसके रिजल्ट्स मैं आपको अभी बताऊं कि क्या होगा आपके साथ। आपको क्या करना है, फिंगर में इसको बैलेंस तो करना है, बट इस बार रूल्स मैं थोड़े से चेंज करने वाला हूं आपके लिए। सिंस इट्स अ मेमोरी प्रोग्राम देयर बी सम ट्विस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा आपके लिए। सो ये स्टिक को बैलेंस करना है आपको अपनी एक फिंगर पे, दैट इज इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली फिंगर, राइट? इस फिंगर में आपको बैलेंस करना है, लेकिन करना कैसे है बैलेंस, यहां पे कुछ रूल्स होंगे। पहला रूल कि इस स्टिक को बैलेंस करने के लिए आप जितना मूव करना चाहें, हाथ को हिलाना चाहें, अपनी बॉडी को हिलाना चाहें, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बैलेंस दिस स्टिक। दैट इज रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन आल्सो। एक रिस्ट्रिक्शन है मेरी तरफ से। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ये स्टिक को बैलेंस तो करना है, लेकिन आपको देखना कहां पे है, स्टिक के ऊपर नहीं देखना है, बीच में नहीं देखना है, बट अपनी फिंगर के जो टिप है यहां पे देखना है, राइट? सो देखते हैं इससे बैलेंस होता है कि नहीं। मतलब मैं आपको कहां पे देखने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूं नीचे वाले पोर्शन पे, एकदम नीचे। मतलब आपको अपनी फिंगर कहां पे, यहां पे फिंगर है आपकी, आपको अपना आईज का कॉन्टेक्ट कहां पे रखना है, यहां पे रखना है। आपको बीच में नहीं देखना है, आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको कहीं पे भी नहीं देखना है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको देखना कहां पे है, यहां पे। आपको पता है आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका रिजल्ट ये होगा कि आपकी ये स्टिक गिर जाएगी, आपकी ये स्टिक गिर जाएगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपकी ये स्टिक बार बार गिरती रहेगी अगर आप यहां पे देख के बैलेंस कर रहे हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। बट अगर मैं आपसे कहूं लेट्स चेंज द सिचुएशन, अब मैं कहता हूं आपको ये स्टिक को बैलेंस तो करना है, बट अब आपको इस बार नीचे नहीं देखना है, यहां नहीं देखना है, अब आपको इसके टॉप पे देखना है, सबसे ऊंचे वाले पोर्शन। एंड यू विल अग्री विथ मी कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो ये आ जाएगा, यू विल बी एबल टू बैलेंस दिस स्टिक प्रॉपरली। यहां पे मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से एक सिंपल सी चीज बताना चाह रहा हूं कि हर काम करने के दो मेथड होते हैं, वन इज राइट एंड द अदर इज रॉन्ग। एक सही मेथड और एक गलत मेथड। जो पहला मेथड,
जो पहला मेथड मैंने आपसे शेयर किया दैट वॉज अ रॉन्ग मेथड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेथड क्या था? गलत मेथड था। उसमें क्या था, आप जब नीचे के हिस्से को देख रहे थे तो आप अपनी स्टिक के ऊपर के पोर्शन को नहीं देख पा रहे थे, और स्टिक गिरेगी कहां से, नीचे से गिरेगी या ऊपर से गिरेगी? ऊपर से गिरेगी। तो उसके मूवमेंट्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, और अपनी बॉडी को, अपने फिंगर को, अपने हैंड को उस तरीके से आप मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो स्टिक गिर जा रही थी, राइट। बट दूसरा मेथड जब मैंने आपको बताया कि अब आप ऊपर देखिए तो आप भी वही हैं, स्टिक भी वही है, बट आपका मेथड चेंज हो गया और एकदम से रिजल्ट्स भी चेंज हो गए। यू वर एबल टू बैलेंस दैट स्टिक प्रॉपरली, राइट। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि कई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, मेथड रिक्वायर्ड है। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पे आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बट आपको राइट मेथड की रिक्वायरमेंट है, राइट। यहां पे जो पहला मेथड था वो रॉन्ग मेथड था, और जो दूसरा मेथड था वो राइट मेथड था। सो इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स, अगर आप अपने रिजल्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आज ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट जब करेंगे आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया एकदम एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अब आप में से जो लोग इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने तक, आई एम गिविंग यू 6 months टाइम, 6 महीने तक लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए इस स्टिक को बैलेंस करने का अपनी फिंगर को देखते हुए। आप देखेंगे 6 महीने के बाद भी आपके रिजल्ट्स लगभग वही होंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें प्रैक्टिस बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, बट रिजल्ट्स एकदम से चेंज होते हैं अगर आपका मेथड सही है। तो क्या किया जाए, तो आज मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। पहला, दो मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करेंगे। पहला ये मेथड है कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में करें कन्वर्ट, कि आज मैंने कोई चीज याद की तो वो अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेरे रहे और लंबे सिरे तक मेरे दिमाग में याद रहे। That is the first. Second चीज क्या है, सेकेंड जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज एग्जाम में अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं तो क्या किया जाए कि ये सिली मिस्टेक्स हमारी होना बंद हो जाए, राइट। सो आर यू ऑल रेडी, शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर रेडी, या ग्रेट, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, ओके। एक चीज को अपने दिमाग में अब आप बैठा लीजिए पूरी तरीके से, ये स्टेटमेंट आपकी जिंदगी का लाइफ का एक पार्ट बन जाना चाहिए। दैट मेथड इज द मदर ऑफ मेमोरी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत खराब है। लास्ट नाइट आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड शी सेड कि मेरी मेमोरी बहुत खराब हो गई है एंड आई थिंक देयर इज सम मेमोरी इशू। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, There is nothing like good memory or bad memory. अच्छी memory और खराब memory जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर आपकी neurological disorder कोई नहीं है आपके साथ तो आपकी memory और मेरी memory में कोई खास फर्क नहीं है। आप में और मेरी memory में सिर्फ एक चीज का फर्क है, that I have a trained memory and maybe you have an untrained memory. आप hit and try के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब अगर काम चल गया इस पर्टिकुलर चीज से तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको राइट मेथड पता है किसी भी चीज का, इफ यू नो द राइट मेथड, देन एवरी टाइम द सेम थिंग शुड हैपन, रिजल्ट शुड बी सेम। जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कई बार आपने देखा होगा आप लोग कोई एक आंसर याद करते हैं एक बार में याद हो जाता है, कई बार होता है कि उसी तरीके के आंसर, उसी तरीके का टॉपिक हम कई बार मेहनत कर रहे होते हैं फिर भी याद नहीं होता। इट हैपेंस, राइट। अगर वो पहली बार याद हो गया
तो दूसरी बार भी उतनी आसानी से याद हो जाना चाहिए. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. या तो पहली बार में भी याद ना हो तब तो समझ में आता है. अगर पहली बार में एक पांच लाइन का आंसर आपको अच्छे से याद हो गया और दूसरी बार वैसा ही पांच लाइन का आंसर आपको याद नहीं हो रहा, तो इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग. देर इज समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू वर्क ऑन दैट. क्या करना होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस लाइन को अपने दिमाग में एकदम पूरी तरीके से बैठा दीजिए दैट अगर मेथड सही है तो हमारी मेथड मेमोरी अच्छी है, और अगर हमारा मेथड गलत है तो हमारी मेमोरी खराब है, राइट. ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं ये मेथड्स हमारे लिए काम कैसे करेंगे. आज मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे अपने आंसर्स को डालते हैं. कोई भी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे कैसे चली जाती है, तो मैं पहला टॉपिक इसको टच करूंगा. सो लेट्स ट्राई टू सी कि ये है क्या चीज. जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, एनी न्यू इंफॉर्मेशन, मे बी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और मे बी हिस्ट्री डेट, और मे बी प्लेसेस एंड मिनरल्स, और मे बी कंट्रीज एंड कैपिटल्स, और मे बी नेम ऑफ अ पर्सन, राइट. कोई भी चीज आपके सामने जब आती है, कोई एक नई इंफॉर्मेशन, राइट, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, एक चीज इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना. जैसे ही नई इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह जाती है. पहले वो एक मेमोरी आई और वो एक शॉर्ट टर्म में जाती है आपके, राइट. मैं एकदम साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज ही पहली बार आप मेमोरी से रिलेटेड कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट. अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब जाती है कोई इंफॉर्मेशन, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके दिमाग में होती है, कुछ सेकंड्स के लिए आई, कुछ सेकंड के लिए आपके दिमाग में रही और एकदम से वो चली गई. ओके, दोज हु हैव जॉइंड मी ऑन जूम, सो इफ यू वांट यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास आल्सो सो दैट वी कैन सी ईच अदर, राइट. I think bandwidth will not go down because हमारे यहाँ का connection बहुत अच्छा है. So अगर कोई दिक्कत होगी then I'll let you know, right? So ऐसा जरूर आप देखते होंगे कि कोई information आई, कुछ समय के लिए हमारे पास रही और वो चली गई. Many a times it happens with names. जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिलने आया और हम लोगों की मुलाकात हो रही है. I am saying hi, my name is Tushar, and सामने मेरे बच्चा एक है, उसका नाम है आयुष. He said, my name is आयुष, right? और एकदम एक सेकंड के अंदर हमें लगता है, oh my God, what did he say? क्या नाम बोला था, right? और एक सेकंड के अंदर वो नाम हमारे दिमाग से चला जाता है. होता है कि नहीं होता है, right? This happens, right? अगर ये होता है हमारे साथ, right? अगर ये हमारे साथ होता है, right? Okay, मेरी आवाज क्या क्लियर नहीं है आप लोगों को? It's perfectly fine, sir. Maybe the bandwidth of the person is low. Yeah. Okay, thank you. So, अब देखिए, नाम आया और एकदम से चला गया. देखिए, दो चीज समझ लीजिए. Art of memory is art of attention. एक चीज आप ध्यान एकदम ध्यान से समझ लीजिए. Art of memory is art of attention. अगर आपका attention सही है, अगर आप attentive है, तो आपकी memory अच्छी है. लेकिन मजे की बात यह है कि अटेंटिव रहे कैसे, दैट इज अ प्रॉब्लम समटाइम्स ना. तो क्या करें, कैसे करें, और हम क्यों बच्चों के नाम या किसी भी इंफॉर्मेशन को एकदम से आके चली जाती है. देखिए, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन किसी नोन इंफॉर्मेशन से जाके कनेक्ट हो जाती है, तो हमारे को उसके याद रहने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाते हैं. हाउ, राइट, वील अंडरस्टैंड दिस in another 5 minutes time. But उससे पहले यहां पर समझते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कैसे हो सकती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, यहां पर समझते हैं, एक इंफॉर्मेशन आई, थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रही और अब वो आपके दिमाग से चली गई, राइट.
लेकिन इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या ये जिंदगी भर मेरे को याद रह सकता है कि अगर मैं प्रीत से मिल रहा हूं तो प्रीत मेरे को अब लाइफ लॉन्ग याद रहे, हनु से मैं मिल रहा हूं तो मुझे हनु हमेशा याद रहे, राइट? लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आंसर्स को भी कैसे डाल सकते हैं कि आज मैंने अगर कोई चीज क्लास सिक्स का याद किया तो सेवन्थ में भी मुझे वो याद रहे, पीरियोडिक टेबल अगर मैंने क्लास सिक्स में याद कर लिया तो मेरे को अब लाइफ लॉन्ग याद रहे, अगर मैंने याद किया एटॉमिक नंबर 99 इज आइंस्टाइनियम तो अब ये याद रहे मुझे लाइफ लॉन्ग, 104 रदरफोर्डियम याद किया तो याद रहे, राइट? 22 टाइटेनियम याद किया तो याद रहे, राइट? कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करें? तो इसको करने के दो मेथड है, एक जो आप कर रहे हैं अभी तक और दूसरा जो मैं कर रहा हूं और जो साइंटिफिक है। पहला है आसान जो आप कर रहे हैं और दूसरा है उससे आसान जो साइंटिफिकली करना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखते हैं ये है क्या। ऑप्शन वन, हाउ टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, कैसे करते हैं देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। पहला तरीका जो है वो ये कहता है, अगर आप यहां स्क्रीन पे देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फर्क क्या है और कैसे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, देखते हैं इसको। देखिए एक इंफॉर्मेशन आई, दिस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रही, उसके बाद आप उसे भूल गए, राइट? इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप जो कर रहे हैं वो ये है, कोई इंफॉर्मेशन आई शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, आपने उसको कई बार रिपीट किया, अब आपको लगा कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं प्रणव से मिला हूं, प्रणव ने अपना नाम बताया, मैं बार बार बोल रहा हूं इसका नाम प्रणव है, इसका नाम प्रणव है, इसका नाम प्रणव है। या मान लीजिए मैंने कहा एक कंट्री है उसका नाम है बुल्गेरिया, उसका कैपिटल है सोफिया, मुझे याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगा आप लोगों के तरीके से जो आप लोग याद करते हैं, बुल्गेरिया सोफिया, बुल्गेरिया सोफिया, बुल्गेरिया सोफिया, कई बार रिपीट करते हैं और कई बार रिपीट करने के बाद आपको लगने लगता है कि ये इंफॉर्मेशन अब मुझे याद हो गई है, ये मेरी मेमोरी में अब स्टोर हो गई है। दिस इज वॉट यू फील, राइट? इसी तरीके से याद करते हैं ना। तो ये हो गया जो मेथड आप फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का, और ये साइंटिफिक भी है और आसान भी है, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या मेथड, कौन सा मेथड है ये और कैसे आपके लिए काम करेगा। देखिए इस पोर्शन को अब आप भूल जाइए, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेरे जिंदगी में कोई भी चीज रहेगी नहीं क्योंकि हम उसे भूलेंगे नहीं। आप जो मेथड यूज करते हैं वो रिपीट करके करते हैं, बार बार रिपीट करके। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। मेरा मेथड क्या है, इसको मैं किसी के साथ कनेक्ट कर दू, एसोसिएट कर दू। अगर मैंने एसोसिएट कर दिया तो इसको याद रहने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए मैं बात करता हूं अभी आप लोगों के की मदर के बारे में, राइट? आपकी मदर को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इस मेथड को यूज करते हैं, जिस मेथड का नाम है लॉन्ग टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करने का तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपकी मामा को बहुत अच्छे से पता है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन का मतलब समझते हैं, राइट? एसोसिएशन का मतलब मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझते हैं। देखिए जब कोई भी चीज, नई इंफॉर्मेशन किसी पुरानी चीज के साथ कनेक्ट हो जाती है तो हमें उसकी याद रहने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। पठाओ, चलिए मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम तुषार है और आपके ब्रदर का नाम भी तुषार है, विल यू फॉरगेट माई नेम, क्या आप मेरा नाम भूलेंगे? नो, राइट? बट इफ आई से माई नेम इज नॉट तुषार बट माई नेम इज चुनु स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, नाउ विल इट बी इजी फॉर यू टू मेमोराइज और डिफिकल्ट, राइट?
How many of you feel that it is difficult, right? Please message me. Yeah. Okay. Meanwhile, I'll request everyone to please. It's very nice to interact when we are videos are on, and it's very very nice. So, students, I request you to all just join with your video on so that sir can interact with you for this session. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah, so if video on rakhiye to aur zyada maza aayega. I can see a few of you are there jinhone video on rakha hai. So I can also see that main kisko padha raha hu aur mere bhi memory mein rahega aap logon ke faces, right? Ki dobara kabhi mulaqat ho to yes, I can say ha bhai inse mile hue hain. Okay, khair ab baat karte hain. Aapne kaha ki Chalu Swami, Muthu Swami, Venu Gopal Iyer will be very difficult for you to memorize, right? Why? Because ये आपके लिए नया है. This is new. एक नई information है जिसको आपने पहले कभी सुना नहीं, right? जिस तरीके की चीजें regularly हमारे सामने आती हैं, हम उसे एकदम से retain करने के लिए बहुत ज्यादा efforts नहीं करने पड़ते, लेकिन पढ़ाई में हर बार चीजें आपके पास नए तरीके की आती हैं, different, right? जब different तरीके की चीजें आती हैं तो आप लोगों को, आप समझिए, तब आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा. क्या करेंगे, कैसे किया जाए, चलिए मैं आपको बताता हूं कि मदर को ये मेथड कैसे पता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. लेकिन इसको समझने से पहले लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. आप लोगों में से या आपके घर में, आप या आपके घर में कोई भी ऐसा जन अगर है जिसका डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स. कोई भी ऐसा जन आपके परिवार में, इंक्लूडिंग यू, जो कॉकरोच से डरता, अगर ऐसा कोई है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली. या यस 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 यस, आई कैन सी हाफ ऑफ यू आर राइटिंग यस, ग्रेट, ओके. अच्छा, अब कॉकरोच से क्या कनेक्शन है हमारे इस मेथड का, और क्या कनेक्शन है आपके मदर का या आपके पेरेंट्स का, राइट? या आपके घर में कोई और बड़े जन जो हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई. देखिए, कॉकरोच से डरते कैसे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप छोटे होते हैं ना, व्हेन यू आर स्मॉल, मे बी 6 months ओल्ड, मे बी 7 months ओल्ड, जब आप थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो आपके पास स्पीच नहीं होती है, आप बोल नहीं सकते हैं, आपके पास शब्द नहीं होते हैं. आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं. अगर किसी को एक्सप्रेस करना है आपको, आप या तो रोने लगते हैं या तो आप हंसने लगते हैं. ये दो एक्सप्रेशन रहते हैं एज अ चाइल्ड आपके पास जब आप 6-7 महीने के होते हैं. एट द सेम टाइम अगर किसी चीज का पता लगाना होता है इस छोटे से बच्चे को कि ये क्या है, कैसे है, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो उसके पास जाता है. जाने के बाद उस चीज को हाथ में पकड़ता है और उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, राइट? मतलब अगर ये पेन पास में उसके है तो वो बच्चा जाएगा, इस पेन को पकड़ेगा और मुंह में डालने की कोशिश करेगा, राइट? अब इमेजिन कीजिए, आप छोटे हैं, 6 महीने के 7 महीने के हैं, और आपके सामने कॉकरोच, आप उसके पास गए और आप उसके पास जा रहे हैं, तभी आपकी मम्मा ने पीछे से देखा, और आपकी मम्मा को पता है आपकी हैबिट की आपके पास कोई भी चीज आती है आप उसको पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं. आपकी मम्मा पीछे से आई और उन्होंने कहा डोंट टच, भूत है, काटेगा, हटो, पीछे, हटा दिया आपको. एक बार हटा दिया, थोड़े दिन के बाद फिर वही कॉकरोच है, फिर आप हैं, फिर पीछे मम्मा है, और आप गए उसके पास, मम्मा ने पीछे से पकड़ा आपको और कहा डोंट टच, भूत है, काटेगा, हटा दिया. 2 से 3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए. अब आपके लिए कॉकरोच मतलब डर, एंड डर मतलब कॉकरोच, राइट? नाउ यू हैव नो लॉजिक. अगर मैं आपसे ज्यादा ज्यादा पूछता हूं कि कॉकरोच से आप क्यों डरते हैं, तो आप मुझे यही बताएंगे, अजीब सा लगता है, राइट? बट बल्कि मुझे लगता है कॉकरोच तो बहुत ही क्यूट और हैंडसम है, राइट? बहुत ही स्मार्ट है, बल्कि इतना प्यारा है कि अगर वो इतना निर्दोष है कि अगर उसको मैं उल्टा कर दूं तो वो खुद ब खुद सीधा भी नहीं हो पाता, ऐसे ऐसे करता रहता है. बट स्टिल यू आर स्केयर्ड ऑफ कॉकरोच. मतलब अगर आपको एसोसिएट, किसी चीज को कनेक्ट करना आ जाए प्रॉपरली, तो लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज याद रहती है, आप उस चीज को भूलते नहीं. बट यू शुड नो कि कैसे ये एसोसिएट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट.
कैसे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा ना. सो देखिए एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए. मान लीजिए मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, मैंने कहा 1933 इज द डे एंड हिटलर बिकेम डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. आपको इसको मेमोराइज करना है. हाउ विल यू मेमोराइज? आप क्या करेंगे उसको रिपीट करके, 1933 हिटलर बिकेम डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, 1933 हिटलर बिकेम डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. दिस इज हाउ यू विल मेमोराइज, राइट? हाउ डू वी एसोसिएट इट इन सच अ वे दैट इट इज देयर इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? क्या किया जाए? तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं आपसे, जो मैं आपसे शेयर करूंगा. सो लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो मेरा जो मेमोरी टेक्निक की मैंने आपसे बात की, यहाँ पे ये जो आज का सेशन है ये कुछ लॉज पे बेस्ड है. पहला लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, और दूसरा है लॉ ऑफ इमेजिनेशन. नाउ हाउ डज दिस लॉ ऑफ इमेजिनेशन विल हेल्प, राइट? ये लॉ ऑफ इमेजिनेशन आपको कैसे हेल्प करेगा इसको समझते हैं, एंड देन आई विल रिलेट इट विथ योर स्टडीज, पढ़ाई, मेमोरी एंड सारे प्रोमिसेस जो मैंने आपसे किए हैं सेशन स्टार्ट होने के पहले. ओके, इमेजिनेशन. इमेजिनेशन क्या है इसको समझने के लिए छोटा सा आपके साथ रिसर्च शेयर करता हूं. आज से कुछ मुझे लगता है 12-13 साल पहले की रिसर्च होगी, और साइंटिस्ट ने ऐसे जानने की कोशिश की व्हाट इज द, यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम ऐसे क्यों हैं और वो ऐसे क्यों हैं, राइट? तो उसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर्स की हेल्प से. और साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया, ह्यूमंस और चिंपैंजी, जो हमारा नियरेस्ट स्पीशी है दैट इज चिंपैंजी, दोनों का डीएनए टेस्ट किया. और जो डीएनए टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट जो आया वो बड़े ही अलार्मिंग आया. रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो हमारा और उनका डीएनए 99% सेम था. क्या आप बिलीव करते हैं? कितने लोगों को लग रहा है इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अगर नहीं लग रहा है आपको तो लिखिए कि नो, ऐसा नहीं हो सकता. चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए नो, राइट? या आई कैन सी ऑल ऑफ यूर राइटिंग नो नो नो, नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल. हाँ, somebody wrote yes, good, okay, somebody is at least one person is there who's trusting me. Yeah, two are there, three are there, okay, four, five, okay, maybe, okay. But अभी doubt factor है ना, doubt factor है कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता. क्या इतना सेम है हम लोग? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लग रहा है ना. अभी मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करता हूँ. वर्ल्ड की नंबर वन मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन. क्या नाम है? टाइम मैगजीन. और ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी बनाया, अपने मैगजीन का कवर स्टोरी बनाया. और अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड. ये टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन का ये कवर पेज है उस मंथ का. उसमें देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है हाउ वी बिकेम ह्यूमन. Chimps and humans share almost 99% of the DNA. New discovery reveals. यहां देख रहे हैं आप, 99% DNA same है, फिर भी हम अलग हैं और वो अलग हैं, right? मतलब ये जो अलग है हमारे में वो क्या है, 1%. ये 1% जो है यही तो हमें अलग बना रहा है, दैट वी आर ह्यूमंस एंड दे आर एनिमल्स. अब यहां पे समझते हैं कि ये डिफरेंस है क्या. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए. यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, एक ह्यूमन जो होता है या कोई भी जानवर भी है, तो हमारे ब्रेन को अगर हम बीच से डिवाइड कर दें तो एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, इजंट इट? ओके, लेफ्ट ब्रेन का क्या काम होता है, राइट ब्रेन का क्या काम होता है, लेट्स ट्राई टू सी. लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग. 2+2 is 4, 2+2 cannot be 22. छत से कूदेंगे तो चोट लगेगी, इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगली लगाएंगे तो करंट लगेगी. ये सारे थॉट्स कहां से आते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ राइट साइड ऑफ द ब्रेन? राइट साइड ऑफ द ब्रेन का काम क्या है? इमेजिनेशन, आइडिया, इन्वेंशन, डिस्कवरी, क्रिएशन. ये सारे थॉट्स कहां से आते हैं? राइट साइड ऑफ ब्रेन से. अब यहां पे फर्क क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे आप देखिए कि
इस इमेज में ये जो इमेज यहाँ पे दिखाई हुई है ह्यूमंस की और एनिमल्स की, इसमें हमारा कौन सा ब्रेन दिखाया हुआ है? कौन सा ब्रेन दिखाया हुआ है? देखिए एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स कैन यूज ओनली एंड ओनली लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, दैट इज द लॉजिकल पार्ट, इसीलिए उनका लेफ्ट ब्रेन यहां दिखाया है. ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशी विच कैन यू यूज बोथ साइड ऑफ द ब्रेन. मतलब इमेजिनेशन इज समथिंग विच इज मेकिंग अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. अब क्या किया जाए कि ये इमेजिनेशन अगर हमारे लिए एकदम अलग है, हमारे को डिफरेंट बनाती है, तो ये इमेजिनेशन का कुछ तो ऐसा रोल होगा ना जो हमें यूज करना चाहिए प्रॉपरली. तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इमेजिनेशन को यूज करेंगे. अब एक छोटा सा टेस्ट आपका, आई होप यू ऑल आर रेडी. आपको मैंने दो लॉज बताए, एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन. इन दोनों को यूज करके हम लोगों को अपनी मेमोरी का टेस्ट करना है अभी, जस्ट नाउ, राइट? लेट्स सी कि हमारी मेमोरी किस लेवल पे है एज अ स्टूडेंट. मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखने जा रहा हूं. ये जो वर्ड्स हैं बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं अभी के अभी. मान लीजिए ये जो वर्ड्स हैं बड़े सिंपल हैं, अगर यहां स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका सीक्वेंस है प्लेट, रेड टोमेटो, व्हाइट ग्लास, पोटेटो, पेंसिल, फाइव स्टार चॉकलेट, ग्रीन जेन कार, लालू प्रसाद यादव, फ्लैग, मंकी, टू बटरफ्लाइज, मून, एलिफेंट एंड रिवर. ये 14 वर्ड्स ये आपको याद कर अभी इमीडिएटली. लेकिन इसको याद करने का तरीका अलग है. अगर मैं आपको ये लिस्ट बोलूं कि आप मुझे 1 से 14 तक सुना दीजिए तो आप मुझे सुना पाए, अगर मैं आपसे बोलूं 14 से 1 तक उल्टा सुनाइए तो भी आप मुझे सुना पाए, अगर मैं आपसे बोलूं बीच से कि ये 10th के बाद कौन सा है या 11th के पहले कौन सा है तो आप मुझे बता पाए, अगर मैं कहीं कोई क्वांटिटी डाल दूं ये 2 है, 4 है, या 6 है, या 8 है तो भी आप मुझे बता पाए, अगर मैं कहीं कलर डाल दूं कि ये इस पर्टिकुलर कलर का है तो भी आप मुझे बता पाए. इस तरीके से आपको ये लिस्ट को याद करना है. नाउ यू टेल मी विथ योर एक्सपीरियंस हाउ मच टाइम शुड आई गिव यू राइट नाउ सो दैट दिस लिस्ट इज देयर इन योर मेमोरी द वे आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज. कितना समय मैं आपको अभी दूं? जल्दी से मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए सो दैट आई कैन सी कि आप लोगों को कितना समय लगेगा इस लिस्ट को याद करने में. जल्दी से बताइए. 1 मिनट. ओके गुड. 1 मिनट. ओके जल्दी से बताइए. ऑनेस्टली बताइए भाई, ऑनेस्टली. जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट. ओके 2 मिनट्स. देखिए ऑनेस्टली बोलते बोलते टाइम बढ़ गया थोड़ा सा. 5 मिनट्स. गुड. ओके 3 मिनट्स. 2 मिनट्स. ओके 1 मिनट. 3 मिनट्स. ओके सबसे कम समय बताया 1 मिनट. अच्छा एक जन ने तो बड़ा स्पेसिफिक 2 मिनट 11 सेकेंड. ओह माय गॉड आयुष, माय गॉड 2 मिनट 11 सेकेंड लगेंगे आपको, माय गॉड. ओके ठीक है, वेरी स्पेसिफिक दैट वाज. ओके साहिल इज सेइंग 1 सेकेंड. माय गॉड आई बिलीव यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड दैट इन दैट केस, राइट? ओके चलिए मैं अब आपको एक मेथड बताता हूँ. मेरे ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको अगर आपने फॉलो किया तो ये लिस्ट को याद करने में आपको उतना ही समय लगेगा जितना समय मेरे को इसको बोलने में लगेगा. आप विश्वास करते हैं या देखना चाहेंगे? डू यू बिलीव इट लाइक टू सी? इफ यू वांट टू सी देन शो मी अ थम्स अप, राइट? ओके वेरी गुड. ओके प्लेड समबडी हैज ऑलरेडी रिटन. ओह माय गॉड या ग्रेट. ओके श्रेयांश हैज रिटन. Wonderful. I hope you have not taken the screenshot and sent me the message. Okay, care.
Okay, lovely, lovely. I've imagined the picture of all the words. Wow. Okay, chaliye, great. Iska matlab kuch logon ko to kuch methods pata bhi hain yahan pe. Khair. But others have done, others do not know. So, okay, so हम लोग क्या करते हैं अभी इस मेथड को यूज करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कैसे याद करते हैं. और तो तीन लोगों ने मुझे मैसेज किया है, एक आशना ने मैसेज किया है, वेदांत ने किया है और श्रेयांश ने किया है कि यस दे हैव मेमोराइज इट एंड दे हैव इमेजिन द इमेज. उन्होंने उसको इमेज को इमेजिन करके उसको मेमोराइज कर दिया. So that's amazing, you know, out of so many participants, 60 plus participants over here and three have already memorized. That's amazing. But abhi baki logon ke liye to main memorize karata hu usko. To aapko mere kuch rules follow karne padenge. Rule number one, backbone has to be straight. Rule number one, your backbone has to be straight. Jab bhi aapka concentration theek nahi hai, to iska matlab aapka backbone straight nahi hai. So your backbone has to be straight. That is the first rule. To memorize this list. Second, आपको जो भी मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है. You have to use your ear memory. Second, जो भी मैं दिखाऊंगा आपको उसको आपको ध्यान से देखना है. It means you have to use your eye memory as well. And fourth, last but not the least, आपको जब मैं बोलना शुरू किया एक बार भी अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करना है. बिकॉज अगर आपने आईज ब्लिंक किया तो एक या दो वर्ड्स गायब हो जाएंगे. बिकॉज आई विल बी वेरी फास्ट एंड मे बी फॉर आई विल जस्ट टेक 10 सेकंड्स टू मेक यू मेमोराइज दिस कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. आर यू ऑल रेडी? या ओके, सो आई विल शो यू समथिंग ओवर हियर एंड यू हैव टू फॉलो. आर यू ऑल रेडी? शो मी थम्स अप. या गुड, ओके, सो लेट्स मूव अहेड. आपके स्क्रीन में कुछ आने वाला है और आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है. या ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर मैंने रख दिया रेड कलर का टोमेटो और उसको मैंने ढक दिया एक व्हाइट कलर की बकेट के साथ, व्हाइट कलर के ग्लास के साथ. और उस ग्लास के ऊपर रखा है एक आलू, एक पोटेटो रखा है. उस पोटेटो के ऊपर मैंने गाड़ दिया एक पेंसिल और इस पेंसिल के ऊपर रखा एक फाइव स्टार चॉकलेट. और फाइव स्टार चॉकलेट जैसे ही खोला उसके अंदर से निकली एक ग्रीन कलर की जेन कार और उसके अंदर बैठे हुए कौन है? लालू प्रसाद यादव. और लालू प्रसाद यादव के हाथों में क्या है? एक फ्लैग है, रेड कलर का फ्लैग है. और उस फ्लैग के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक मंकी. और मंकी के हाथों में बटरफ्लाई, एक ये बटरफ्लाई और एक ये. दोनों बटरफ्लाई अब कहां जा रही है? मून पे जा रही है. और मून पे बैठा हुआ है कौन? एक एलिफेंट. और एलिफेंट को प्यास लगी तो वो क्या कर रहा है? रिवर से पानी पी रहा है. नाउ इससे पहले आप सोचें कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, लेट्स ट्राई टू सी इट्स देयर इन योर मेमोरी और नॉट. सो आर यू ऑल रेडी टू रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स? मैं आपको जो बोलूंगा आपको उसका ही रिप्लाई करना है सिर्फ, राइट? आर यू ऑल रेडी? ओके, सो द फर्स्ट, मैंने पहली पहली चीज एक रखी थी प्लेट. प्लेट के ऊपर मैंने क्या रखा था? जल्दी से बताइए, फास्ट. या ओके, टोमेटो. वंडरफुल, वेरी गुड. टोमेटो, टोमेटो. ओके, और टोमेटो को मैंने किस चीज से ढक दिया था? जल्दी से बताइए. या ग्लास. वंडरफुल. और उस ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ था? जल्दी से बताइए. व्हाट वाज देयर अबाउट द ग्लास? पोटैटो, राइट? ओके, और उस पोटैटो में मैंने क्या गाड़ दिया था? जल्दी से बताइए. या पेंसिल. और उस पेंसिल के ऊपर क्या था? जल्दी से बताइए. या फाइव स्टार. वंडरफुल. फाइव स्टार चॉकलेट खोलते ही क्या निकला था उसके अंदर से? टेल मी दैट. या कार. वंडरफुल. ओके, उस कार के अंदर कौन था? जस्ट टेल मी दैट. लालू प्रसाद. या वंडरफुल. और लालू प्रसाद यादव के हाथ में क्या था? टेल मी, जल्दी से बताइए. या फ्लैग. वंडरफुल आदित्य. ओके, और उस फ्लैग के ऊपर कौन बैठा हुआ था? जल्दी से बताइए. या वंडरफुल श्रेयांश. या मंकी. और मंकी के दोनों हाथों में क्या थी और कहां जा रही थी? या बटरफ्लाई. वंडरफुल. और कहां जा रही थी ये? मून. वंडरफुल. और मून पे पहले से ही कौन था?
यार एलिफेंट, और एलिफेंट क्या कर रहा था यार? रिवर में, या रिवर में पानी पी रहा था. वंडरफुल. ओके, अब मैं इसको बीच से पूछता. लेट मी सी, आपको ये बीच से याद है कि नहीं है. मुझे बताइए कि जो ग्लास था वो ब्लैक था या ब्लू था? या व्हाइट था. वंडरफुल. अच्छा, बटरफ्लाई कितनी थी? 10 थी या 12 थी? या 2. वंडरफुल. या अच्छा, फ्लैग कौन से कलर का था फिर? या रेड. वंडरफुल. या ओके. अच्छा मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव के हाथ में क्या था? या फ्लैग. अच्छा, जेन कार का कलर क्या था? ग्रीन. ओके, अच्छा जेन कार के अंदर कौन था फिर? या लालू प्रसाद. अब लालू प्रसाद यादव कहीं नहीं जाएंगे, लाइफ लॉन्ग कहां पर रहेंगे? जेन कार पे ही रहेंगे. दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन. हमारी इमेजिनेशन एक बार जो चीज देख लेती है वो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेती है पूरी तरीके से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने इसमें क्या किया, मैंने लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन दोनों को यूज करके आपको ये पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद कराए. राइट, मतलब मैंने क्या किया कि पहले वर्ड को दूसरे के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, ऐसे करके कनेक्ट करते करते आपकी ये पूरी लिस्ट को मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ जोड़ना. देन कम्स, मैंने इसकी इमेज क्रिएट की, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन. हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, मैंने पहले ये लिस्ट आपको सुनाई, फिर आपको यही लिस्ट मैंने दिखाई. ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक दिस कि जो भी चीज हम देखते हैं और जो भी चीज हम सुनते हैं उसमें 20 गुना का फर्क होता है, 20 टाइम्स का. अगर मेरा नाम आपको एक दिन याद है तो मेरा चेहरा आपको 20 दिन याद रहेगा. दैट इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब कि अगर आप कोई चीज को इमेजिन कर सकते हैं, देन इट इज इजी फॉर यू टू मेमोराइज. लेट्स टेक दिस वर्कशॉप लिटिल फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि हम भूलते क्या है. हम भूलते वही चीज है जो भी चीज हम याद करने की कोशिश करते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब आपको लग रहा होगा, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेमोरी ट्रेनर है, ही सेइंग कि आप याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे. या दिस हैपेंस. अगर मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कोई चीज तो मैं उसे भूलूंगा. राइट, दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. बट अगर हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूलते. वी नीड टू एक्सपीरियंस आवर स्टडीज, बट हाउ, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. राइट, कैसे एक्सपीरियंस करें? तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से. आपके स्कूल में लेबोरेटरीज होंगी, राइट आपके स्कूल में लेबोरेटरीज होंगी ना, मे बी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और मे बी इंग्लिश, और मे बी मैथ्स, ऐसे करके लेबोरेटरीज होती है. ये लेबोरेटरीज होती क्यों है आपके स्कूल में? व्हाई दीज लेबोरेटरीज? ताकि जो चीज हम याद नहीं कर पा रहे या हमें डिफिकल्ट लग रही है, हम उसके एक्सपेरिमेंट्स करें और उसको एक्सपीरियंस करें और हम उसे समझ लें. राइट, मतलब कि आपकी ये लेबोरेटरीज होती हैं इसलिए ताकि आप अपनी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाए. अगर आप अपनी पढ़ाई को एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत आसान होने वाली है. That is why you must have seen, हर जगह आप ये सब बातें होने लग रही है, experiential learning, चीजों को experience करके याद करना. रटने से कुछ नहीं होगा. अगर आप रटेंगे कि मान लीजिए मैंने कहा कि पोलैंड का कैपिटल इज वॉर्सो, आपको याद करना है पोलैंड वॉर्सो, पोलैंड वॉर्सो, पोलैंड वॉर्सो, पोलैंड वॉर्सो. नो, ये रटना नहीं है हमें. अगर हम रटेंगे तो इट विल बी देयर इन योर मेमोरी फॉर सम टाइम, बट it will never go in the long term memory, which will be a problem. Right, so what do we do, kya kare? Hame association use karna hai aur imagination use karna hai.
मैं जाने से पहले और भी कुछ टिप्स देके जाऊंगा आपको, डोंट वरी। और जो नहीं दे पाऊंगा उसके लिए मैं कुछ ना कुछ आपको लिंक्स दे दूंगा, सो दैट यू हैव अ चांस टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। बट एक चीज आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा, लाइफ में, पूरी लाइफ में आप कभी भी, अगर कई बार क्या होता है, एक चीज याद नहीं हुई, दो चीज याद नहीं हुई, तीन चीज याद नहीं हुई हमें, तो हम दिमाग में अपने आप कहते हैं आई हैव अ बैड मेमोरी। ये सेंटेंस आप लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे, यू हैव टू प्रॉमिस मी दिस, राइट? यू हैव टू से दैट आई हैव अ गुड मेमोरी, देयर इज नथिंग लाइक अ बैड मेमोरी, राइट? गुड मेमोरी और बैड मेमोरी कुछ नहीं होती, एवरीबडी हैज अ गुड मेमोरी, राइट? सो इट इज ओनली वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज मेथड। अगर आपका मेथड सही है तो आपकी मेमोरी सही है, और अगर आपका मेथड गलत है आपकी मेमोरी गलत है। दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बट लेट मी मूव टू अनदर पॉइंट। क्या हम सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में? लेट मी सी हु ऑल आर देयर जिनको सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में। कितने लोग हैं, जल्दी से यस लिखिए चैट बॉक्स में अगर सिली मिस्टेक्स होती है। यस 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 यस, आई नो दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ अस। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, साइन थीटा की जगह कॉस की जगह सेक थीटा, और मे बी रॉन्ग नेम ऑफ द कैरेक्टर। आई शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस, यू नो सर ने मेरे बारे में पहले बताया आपको कि मेमोरी ट्रेनर और मेमोरी की किताब वगैरह भी लिखी है, बट आई शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस व्हाई आई एम इन मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। क्यों, व्हाई? देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज यंग लाइक यू पीपल, अभी भी है बट आप लोगों की तरह नहीं है अब, आप जब बेस्ट स्कूल में था तो मेरे साथ मुश्किल क्या होती थी कि चीजें मेमोराइज करते थे और एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स करते थे, कई बार भूल जाते थे, राइट? एक किस्सा बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज 1998 एंड 12 जनवरी, 12 जनवरी 1998 एंड मेरे प्रीलिम्स का एग्जाम था, प्रीलिम्स का एग्जाम था, एंड उस प्रीलिम्स के एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम था। 10 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे 20-20 मार्क्स के। तो मैं बाहर निकला एग्जाम देके, आई मेट माय फ्रेंड, मैंने कहा सचिन भाई देखो, तो मैंने बोला था ना ये खान आजम खान वाला आंसर जरूर आएगा, चैप्टर जरूर आएगा, 20 मार्क्स का देखो आया। जैसे खान आजम खान का, तो शायद खान आजम खान का तो आया ही नहीं था। मैं नो 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 सी इट्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज फॉर खान आजम खान वाला स्टोरी का। सो ही सेड तुषार इट इज नॉट खान आजम खान स्टोरी, इट इज रहीम खान स्टोरी। हमने कहा ओ पूरा आंसर सही लिखा है, एक्सप्लेनेशन इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मैंने कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया, किसी और चैप्टर में रहीम खान, इस चैप्टर में खान आजम खान, सब गड़बड़ हो गया। एंड मैं भाग के अपने टीचर के पास गया, मिस्टर एरियल वॉज माई टीचर, एंड आई वेंट देयर एंड आई सेड सर ब्लंडर मिस्टेक आई हैव डन। What happened, Tushar? I said, sir, this is the mistake that I've done. So he said, अरे ठीक है, I'll take care of, don't worry. But थोड़े दिन के बाद जब आंसर शीट दिखाई गई, तो उस आंसर में मेरे को 20 में से सर ने मुझे 0 दिया, और उस आंसर के नीचे उन्होंने लिखा wrong name of the character scores no marks. मतलब उनके कहने का मतलब, मैंने उन्हें बाद में सोच कई बार बात की, मैंने कहा सर आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, आपने, मैंने तो आपको तुरंत बता दिया था। बट ही सेड मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन की कहानी सुनानी है और आप अक्षय कुमार का नाम लेके सुना रहे हैं, तो इज इट मेकिंग सेंस? हमने कहा यस सर यू आर राइट। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिली मिस्टेक्स, अगर एक सिली मिस्टेक हो गई तो मेरे 5% कम हो गए, एक सिली मिस्टेक से। और 5% कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपको पता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर एग्जाम में अगर ऐसी सिली मिस्टेक्स करते जाएं तो कितनी गड़बड़ हो सकती है, राइट? 20-20 नंबर अगर चले जाएं तो कैसा लगेगा, बड़ा मुश्किल। सो सिली मिस्टेक्स होती क्यों है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वी कैन क्योर दैट। देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोगों को, अगर सिली मिस्टेक्स एग्जाम से नहीं करनी एग्जाम में आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, जब आंसर लिख लेते हैं, लिखने के बाद उसको एक बार पढ़ना चाहिए, राइट? इट इज बीन रिसर्च्ड कि अगर 100 लोग
सौ लोग अपनी ही लिखी हुई चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो सौ में से नब्बे लोग अपनी गलतियां नहीं खोज पाते, राइट? सौ में से नब्बे लोग अपनी गलतियां नहीं खोज पाते, उनको वो चीज उसी चीज को दोबारा पढ़ के निकल जाती। सो मतलब एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना करने का तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, यही कि आप अगर ये सोचें कि आप उसको दोबारा रीड करेंगे तो आप अपनी गलतियों को पता लगा लेंगे और आप उसको सही कर लेंगे, तो मे बी यू आर इन लकी 10, आप उन लकी 10 में से हैं जो अपनी गलतियां खोज लें, बट 90% लोग नहीं खोज पाएंगे। तो व्हाट डू वी डू, हाउ वी कैन क्योर दिस? इसका दूसरा तरीका यह है कि सिली मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए एग्जाम। वी कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट सिली मिस्टेक इन एग्जाम। बट इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि सिली मिस्टेक्स होती क्यों है, राइट? देखिए, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मुझे बताइए अभी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल रूटीन जब होता है, जब मान लीजिए कभी कोई अभी कोई एग्जाम नहीं है, जैसे आज की सिचुएशन ले लेते हैं, तो अभी कोई एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, किसी समय कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैवल टाइम भी कम हो गया है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर हैंड। आज की डेट में हाउ मेनी आवर्स आर वी स्लीपिंग एवरी डे एज अ स्टूडेंट? कितना समय सोते हैं हम लोग? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, यार 7 hours, 8 hours, okay, yeah, 9 hours, 8 hours, 7 hours, 7 to 8 hours, 6 hours, okay, 9 hours, 7 to 8 hours, yeah, so mixed response है। तो अगर हम लोग इसका एवरेज ले लेते हैं, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 7, तो चलिए एवरेज ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 hours आप सो रहे हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन हो गई, आप 7 hours सो रहे हैं, ठीक है ना? अब 7 घंटे की आप सो रहे हैं जब, तो जब हम स्लीप करते हैं, हम स्लीप करते क्यों हैं? कभी सोचा है इस चीज के बारे में? जैसे मान लीजिए एक बाइक है, एक कार है, हम उसको चलाते चले जाएं, मे बी 50 घंटे चला दें एक साथ, या विदाउट रेस्टिंग अगर 100 घंटे चला दें तो मे बी शायद वो हमारी इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही हमें रेस्ट करना चाहिए, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, इसीलिए हम सोते हैं, राइट? ओके, बट जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के 2 organs ऐसे हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि बाकी ऑर्गन्स काम नहीं करते, लेकिन 2 हमारे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक तो हमारा हार्ट है, वो चलना बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बट हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन जब हम सोते हैं तो नहीं सोता है। व्हेन वी स्लीप आवर ब्रेन डजंट स्लीप। हमारा ब्रेन उस पॉइंट ऑफ टाइम में करता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसको समझने के पहले लेट मी गिव यू अनदर सिचुएशन। अब मान लीजिए एग्जाम है, आप क्लास 10th में है, कल आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम है, राइट? या 12th मान लेते हैं, चलिए 12th के हैं आप, और अब कल आपका बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 12th का और केमिस्ट्री का, राइट? अब मुझे बताइए आज की रात हाउ मेनी आवर्स आर यू गोइंग टू स्लीप? Please write in chat box. 4, 3, 4, 9, 0, 2, 10, 6, 4, 3, 2, 5, 8, 4, 7, 2. So, देखिए, most of you have done what? ज्यादातर लोगों ने अपनी sleep duration को कम किया है exam time, right? You can see some have written कि वो 0 hours सोए। एक चीज समझ लीजिए, जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए पानी पीना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए खेलना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खराब बात क्या है ह्यूमंस के लिए, हम लोग दिन का जो भी बचा हुआ समय होता है उसको स्लीप को देते हैं, राइट? हमारा ब्रेन क्या करता है साइंटिफिकली, यहां पे समझ लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू।
जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन नहीं सोता है, वो पूरे दिन में हमने जो भी देखा होता है, किया होता है, सुना होता है, हुआ होता है हमारे साथ या हमने बोला होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करके हमारे ब्रेन में स्टोर करता है, राइट? दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, राइट? अब आपने बचपन से अपने ब्रेन को कुछ उस तरीके से ट्रेन किया है कि अगर आप नॉर्मली 7 आवर्स सो रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप 4 घंटे सो रहे हैं, तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन इस तरीके से किया है कि 24 आवर्स में से मैं अगर 7 घंटे हटा दूं तो 17 घंटे बचते हैं। आपने अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया है कि 17 आवर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 7 आवर्स में स्टोर करना है। दैट इज हाउ यू ट्रेन्ड योर ब्रेन। अब एग्जाम आया और एग्जाम में आपने क्या किया, आपने एग्जाम में थोड़ा सा चीजें अलग कर दी। अलग क्या कर दी, आपने 4 घंटे सोए, 4 घंटे में आपने अपने ब्रेन को कहा 20 घंटे की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लो। एंड एट द सेम टाइम यू विल अग्री विथ मी दैट एग्जाम टाइम में द कंटेंट इज मच मोर देन वी हैव इन द रेगुलर डेज। कंटेंट खूब बढ़ा दिया और ड्यूरेशन भी कम कर दी, तो ये तो वही बात हो गई कि मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 1 घंटे में 1 चैप्टर याद करने की है, आपने मुझे 2 चैप्टर दे दिए और कहा 1 ही घंटा मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन, आइदर आई विल मेमोराइज ओनली 1 चैप्टर और इफ आई विल ट्राई टू मेमोराइज 2 चैप्टर्स देन मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, और मुझे दोनों ही चैप्टर ठीक से याद नहीं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या, मेरी आपसे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जिसको मैं कहूंगा आपसे, वो ये है कि एग्जाम से पहले आप लोग अगर अपनी सिली मिस्टेक्स को खत्म करना चाहते हैं तो अपनी स्लीप को एग्जाम टाइम में उतना ही स्लीप करें जितना आपको रेगुलर रूटीन में आप स्लीप करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं, तुषार सर इज नॉट 100% करेक्ट, एक एग्जाम में करके देख लीजिए, एक एग्जाम में सिर्फ आप करके देख लीजिए, यही वो एग्जाम होगा जिसमें आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब रीऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो ब्रेन को उसको चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए समय चाहिए, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपनी स्लीप को एग्जाम से पहले डिस्टर्ब ना करें। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप 365 दिन में कोई काम नहीं कर पाए हैं तो आप 1 घंटा या 2 घंटे या 4 घंटे और ज्यादा स्लीप को खत्म करके दूसरी चीज में डाल के अपना समय, आप उस चीज को याद नहीं कर सकते। When you have not done it in 365 days, you cannot do it in these 2 hours or 3 hours. So you have to organize yourself. Little bit of being organized is required. So this is important. अब एक और चीज, मेमोरी का टेस्ट एक कर सकते हैं आप लोगों ने कभी मेमोरी के टेस्ट के बारे में सुना है, राइट? अभी एक ऑल इंडिया मेमोरी टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया मेमोरी टेस्ट हो रहा है, दैनिक जागरण और हम मिलकर करा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग अगर चाहें तो उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, इंडिया लेवल का टेस्ट है, 5 लाख रुपए से ऊपर के उसमें प्राइजेस हैं और ऑनलाइन टेस्ट है ये। 5 सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं, 7 सब्जेक्ट्स होंगे, 7 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको मेमोराइज करने और रिकलेक्ट करने के लिए। हेल्पलाइन नंबर इज मेंशन्ड ओवर हियर, इफ यू वांट You can actually join this. और उसके अलावा मेरे memory training programs online भी चलते हैं, तो आप उसको join कर सकते हैं। My website is memoryinfinite.com, wherein we have number of workshops going on for the students. आप join कर सकते हैं। But एक interesting चीज, एक छोटी सी gift आपके लिए। मेरी 2 किताबें हैं, एक है memory infinite और एक है exams decoded. अगर आपको interest है exams decoded किताब read करने का, then send me a WhatsApp on my number, that is 9198780750. That is my number. And if you send me a WhatsApp requesting that you want a PDF file of my book, then my team will share with you maybe in 2 days time. 2 din ke andar aapko ye WhatsApp ke through mil jayegi. So, mere ko toh bahut maza aaya aap logon ke saath. I hope aap logon ne bhi enjoy kiya hoga. Now we can have a session of क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। आई कैन सी दिव्यांश ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। दिव्यांश, यू वॉन्ट टू से समथिंग? या
Yes, sir. Yeah, right. Sir, how to join this exam? How to join this exam? आपको इसके लिए allindiamemorytest.com एक वेबसाइट है, उस पे जाना होगा. दैनिक जागरण की वेबसाइट है और वहां पे आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. उसमें एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी है हमारा, मेरे वेबसाइट, मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या मेरे फेसबुक पेज पे, तो आपको उसमें भी डिटेल्स मिल जाएगी. माई यूट्यूब चैनल इज डॉक्टर तुषार चेतवानी. माई फेसबुक पेज इज ऑल्सो डॉक्टर तुषार चेतवानी. इफ यू गो टू माई वेबसाइट memoryinfinite.com, वहां पे मिल जाएगी. सो आई रियली इंजॉयड. आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा मेरे साथ इस सेशन में. एंड अभिनव सर, आर यू देयर सर? वेरी मच देयर, यस सर. एम आई ऑडिबल? Yeah, sir. Yes, sir. Very much. I've been through and through for your session, starting from the school. I am at home right now, and I was through and through. So right now, I can say it was tomato. It was plate, tomato, tumbler. Then it was onion. Then it was pencil. Then it was matchbox. Matchbox. It's a green zen. Green zen. Lalu Prasad Yadav. Lalu Prasad Yadav to monkey to flag. Flag to monkey. Monkey to butterfly. You know, butterfly. Butterfly to river. River to moon. And moon to elephant. No. Butterfly to moon. Few mistakes, sir. No. No. Yeah. That's what I need to say. Before I conclude the session, and I say we have no onion, potato, white glass, pencil. We have our five star Sarita ma'am with us, and I request her to please address. I join hands with Abhinav sir in welcoming and greeting Mr. Chetwani. It was a great pleasure. You know, the session was so lively because I can see the way the children were answering, and it was like no one was stopping before our question pooch rahe the. Your picture was already being, you know, presented in the chat box. So it goes to say that what is the level of interest. Memory today is at a crossroad. Education world says understand, and then, you know, learning happens. But I will never be able to, as a teacher, negate the contribution of reproducing your knowledge, and where your tool, Mr. Chetwani, is definitely going to come handy. Today on the Janmashtami day, Krishna Bansuri bajaya karte the, aur aapne hame memory ko baja dalne ka bahut acha nuska diya hai. So thank you so much. Welcome to Sunbeam Sun City, and I'm looking forward to many more such sessions where the children will make most of your learnings and your techniques. Thank you once again. Over to Abhinav, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was indeed a very nice session. As sir has said, I think everyone, please mute yourself. So this is the thing which I was looking forward when I met Tushar sir 3 years back, but I was continuously trying. Actually, if it would have not happened the COVID, we would have him in the campus too. So thank you so much, sir, for this lovely session. And we are having one more session from 11:30. So you also need a little break in between. This is my copy of Exam Decoded, which I have right now with me. And trust me, children, this is some important and very important tricks, or you can say something which is very, very good there in this book. Grab your copy, take the PDF, take the full advantage. This is the time when you are in, then you can enjoy this the learning at your home. So thank you so much, Tushar sir, once again, and we'll see you in another